हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 किलो गाजर लिए हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम ऐसे मीडियम साइज की गाजर लेंगे, क्योंकि ये अंदर से लाल होती है और टेस्ट में भी ये मीठी होती है। 1 लीटर दूध लेंगे, 4 टेबल स्पून घी लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू और पिस्ता, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने पसंद से। 1 कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है और 1 टीस्पून इलायची पाउडर, और चीनी हम लेंगे 1 कप। अब सबसे पहले हम दूध को गर्म कर कर साइड में रख देंगे। गाजर को छील लेंगे। छीलने से पहले हम गाजर का आगे का और पीछे का थोड़ा थोड़ा पार्ट कट कर लेंगे, और उसके बाद एक पीलर से गाजर को छील लेंगे। ऐसे कर कर हम सारे गाजर छील लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे गाजर छील लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें छीलने के बाद हम एक बार अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। इसके बाद हम एक ग्रेटर लेंगे और इससे गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। हम सारे गाजरों को ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे गाजर ग्रेट कर लिए हैं। इसके बाद हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे, और जैसे ही घी गर्म हो जाए हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में अब हम ग्रेट किए हुए सारे गाजर डाल देंगे। अब हम इन्हें अच्छे से ऊपर नीचे कर कर हिला लेंगे। हम गाजरों को ऐसे ही बिना कुछ डाले 10 मिनट के लिए ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज करने तक कुक कर लेंगे। हम गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे, इसलिए हमें गाजर को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो वो नीचे से जल सकते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब हम गाजर में दूध ऐड कर देंगे। और अब गाजर और दूध को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध आधा ना हो जाए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाजर नीचे से जले ना, इसलिए आप इसे बीच बीच में हिलाते रहिए और दूध को आधा होने तक पकाइए। आप देख सकते हैं दूध आधा हो गया है और गाजर भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी कम भी कर सकते हैं। अब हम चीनी को अच्छे से गाजर में और दूध में मिला लेंगे। दूध और गाजर के मॉइस्चर से अब चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो अब हमें इसे फिर से
हाई फ्लेम पर हलवे का पूरा मॉइस्चर जाने तक कुक करेंगे। अब हम इसमें बचा हुआ देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से हलवे में मिक्स कर लेंगे। अब हम हलवे को पूरा ड्राई कर लेंगे। इसके बाद ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम हलवे में 1 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से हलवे में मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर हलवे में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रखे थे वो भी डाल देंगे और अब हम इन्हें भी हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर भी हलवे में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इन्हें आखिर के 2 मिनट हिलाते हुए पकाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you so much for watching this video.